नवरात्रि के दिनों में जिनकी आवाज की गूंज घर घर में सुनाई देती है, माता की भक्ति के रस से सराबोर उनके भजन भक्तों की जुबान पर हर वक्त सजे रहते हैं। तूने मुझे बुलाया खेरावा लिए, मैं आया खेरावा लिए। जिसकी आवाज ने भक्तों को माता के गानों पर झूमना सिखाया। जिनके फिल्मी गीत ने मोहब्बत में मरने और बदनाम होने पर मजबूर कर दिया। यारा ओ यारा, इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमाम, तेरे समझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया। फिल्मी दुनिया से लेकर भक्ति की दुनिया तक जिनकी अनोखी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता है। हमारी खास पेशकश फिर तेरी कहानी याद आई में आज बात उसी जिंदा दिल गायक नरेंद्र चंचल की। नरेंद्र चंचल की ओर से जय माता दी। मेरी मैया जी के द्वारे वैसे तो नरेंद्र की गायकी का पहला पड़ाव मंदिर और माता की चौकियां ही रही हैं। लेकिन जगत जननी माता अम्बा की आराधना करती उनकी गायकी को बुलंदी के इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां कैलाशवती का भी कम योगदान नहीं रहा। मां को गाते देखता था घर के मंदिर में, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही होती थी तो अच्छा लगता था, तब मेरी नींद खुलती थी। तो ये शायद अनजाने में ही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मुझे माँ जैसा बनना है। उस बच्चे के मन में अचानक वो बातें गूंजने लगीं जो मेरी माँ गाया करती थी, और वहीं से मेरा अनजाने में ये सफ़र शुरू हो गया। घर का माहौल भी नरेंद्र चंचल की गायकी के लिए बेहद मुफीद था। गीत गुनगुनाना तो चंचल ने छोटी उम्र में ही सीख लिया था। दोस्तों के साथ फिल्मी गीतों पर जुगलबंदी करना, मोहल्ले की शादियों में छुप कर जाना और गीत गाना उनकी शरारतों में शामिल हुआ करता था। मोहल्ले का पहरेदार की एक वो छोटा सा बना होता था कैबिन सा, तो हम रात को सब लोग गली मोहल्ले के इकट्ठे होते थे और वो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे, तो मैं खुद ही टेबल को बजाता रहता और उस वक्त के गाने गाता रहता। मुझसे भी पहले शायद मेरे उन साथियों को पता लगा कि मैं गा सकता हूँ। जो मेरी स्मृति में मुझे याद है कि गली के बाहर बाजार ढोल की आवाज़ आती थी या बैंड बाजा बज रहा है तो मैं पीछे भाग जाता था, बड़ी दूर दूर बाजे जा रहे हैं और ढोल वाले जा रहे हैं, मेरे मोहल्ले वाले मुझे ढूंढ ढूंढ के वहाँ से उठा के मेरे घर लेके आते थे, तो पूत के पांव पलने में ही पहचाने जाते हैं। स्कूल के समय से ही सिंगिंग के सुरों में पक्के चंचल कई अवार्ड अपने नाम कर चुके थे, लेकिन माता पिता के डर से वो अवार्ड्स कभी घर नहीं लाते थे। एक दिन पेपर था ज्योमेट्री का जिसमें मैं आज तक भी सर्कल पूरा नहीं बना पाया, तो उसी दिन चंडीगढ़ में एक कॉम्पिटिशन था, मुझे फैसला करना था कि मुझे क्या करना है। मैंने पेपर ड्रॉप किए, मैं ना भी करता उन्होंने मुझे ड्रॉप ही कर देना था। मैं चंडीगढ़ भाग गया, वहाँ से इतनी बड़ी ट्रॉफी भी ले आया। वो ट्रॉफी दोस्तों के घरों में भटकती रही क्योंकि घर तो पता ही नहीं था। बहुत दिनों बाद उनको जाके पता लगा, डांट भी पड़ी, लेकिन तब तक उनको पता लग चुका था कि ये जो स्ट्रीट सिंगर है अब ये रुक नहीं सकता। मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। बहुत देर बाद में जाके पता लगा
जब मैं अमृतसर के किसी कोने में गा रहा होता था, भीड़ इकट्ठी होती थी स्टेज पे, तो मेरे फादर भी छुप के उसमें बीच में खड़े होते थे। तो इस तरह गली बाजारों से होता हुआ मेरा सिलसिला शहर के बाहर तक गया। भजन गायन करने वाले नरेंद्र चंचल के संगीत के सफर को आगे बढ़ाने में पंजाबी सूफी संत और कवि बुल्ले शाह के काफिलों का बड़ा योगदान रहा। बुल्ले शाह के काफिलों और कविताओं को फोक म्यूजिक में ढालकर लोगों के दिलो दिमाग में अपनी गायकी की छाप छोड़ जाया करते थे चंचल। एक दिन अमृतसर के वो हमारे यहाँ अमृतसर का ट्रेडिशन है जिसे आप पकौड़े कहते हैं, हम उसे तलिया कहते हैं जी। तो तलिया लेने के लिए गया तो वहाँ पर एक पेपर मेरे हाथ में आया, वो था बुल्ले शाह की काफियों का एक पेज जिसके अंदर वो पकौड़े थे। तो वो पकौड़े तो मैं भूल गया, उसे पढ़ता पढ़ता आ गया, मुझे शौक हो गया, मैंने सूफी गाना शुरू कर दिया। मुंबई के बॉम्बे बैसाखी मेले में गीत गाकर चंचल कैसे फिल्मी दुनिया में चले गए, कैसे जागरणों को अपनी भजन से गुलजार करने वाले चंचल को बॉबी फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग करने का मौका मिला, ये वाक्य अपने आप में बेहद खास है। मैं थोड़ा सा गुनगुना के आपको बताऊंगा जो मैंने गाया। हाजी लोक मक्के वल जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां। सब गुनगुना के आपको बताऊंगा जो मैंने गाया। हाजी लोक मक्के वल जांदे, मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमलियां। ये मैंने गाया, राज कपूर साहब स्टेज के पीछे आके मुझे मिले, गले से लगा लिया, पंजाबी में कहने लगे। उन्होंने कुछ मुझे बताया, बल्लिया तेरे को ले है, मेरे पास वो भी था, वो भी मुझे याद है। राती जागे पीर सदावें, राती जागन कुत्ते तै थी उत्ते, पौंक नो बंद ओ मूल ना हुंदे, ते जाड़ी ते सुते, खसम अपने दा दर ना छड़ दे, ते पावे वजन जुते, उठ बुलिया उठ पीर मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। राज कपूर साहब ने मुझे दूसरे दिन स्टूडियो बुलाया और वहाँ से मुझे फिल्म बॉबी का गाना मिला। वो इसी तरह था, वे मैं नहीं बोलना। फिल्म बॉबी में गाया पहला ही गीत चंचल को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिला गया। फिल्म फेयर के अलावा आरके मेमोरीज अवार्ड का खिताब भी चंचल के नाम रहा। सिंगिंग के साथ साथ बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते चंचल की चमक देखने लायक थी। सबसे पहला अवार्ड मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला, मुझे अमृतसर में फोन आया, वही मेरे पड़ोस के मोहल्ले के पड़ोसियों ने, और मुझे ये यकीन नहीं हुआ। मैंने सुना हुआ था कि ये अवार्ड सब बिकते हैं या ये है, फिर मेरा यकीन नहीं हुआ कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। उन दिनों आईएस जौहर जिंदा थे और वो इम्पा के प्रेसिडेंट थे, उनका एक टेलीग्राम मेरे पास आया, तब मुझे यकीन हुआ कि आई गॉट फिल्म फेयर अवार्ड। मेरे पहले ही सॉन्ग पे मुझे ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की ये भी एक कहानी आ गई, मेरे साथ तो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं बॉम्बे था, मैंने सूट नया अमृतसर से लिया, शूज़ लेने मैं बॉम्बे गया दुकान पे, शूज़ ले लिए और जल्दी से सन्मुखानंद हॉल चला गया जहाँ फंक्शन था, जूते खरीदे और जब मैं हॉल के अंदर गया, कैमरे वाले अभी कैमरा संभाल ही रहे थे तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर मेरा ध्यान नीचे गया तो मैंने शूज़ उल्टे पहने हुए थे, अब मुझे बड़ी
अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था सब मेरे पाँव की ओर ही देख रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से निकल के गया। सबसे पहले जाके मैंने अपने शूज ठीक किए और बाद में वो ब्लैक लेडी फिल्म फेयर अवार्ड मेरे हाथ में आया। उन दिनों सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड होता था। जोशीले गायक नरेंद्र चंचल बॉबी के लिए होनहार गायक सिद्ध हुए। बॉबी के बाद साल 1974 में आई फिल्म बेनाम में नरेंद्र चंचल को अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी और प्रेम चोपड़ा जैसे मशहूर एक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला। उसके बाद मुझे बेनाम मिली, मैं बेनाम हो गया अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसी साल मनोज कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत में नरेंद्र चंचल ने एक गरीब पंजाबी किसान के दर्द को बड़े पर्दे पर उकेरा। गाने में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो मैंने रोटी कपड़ा मकान, महंगाई मार गई, जो आज तक हमें ही ब्लेम दिया जाता है महंगाई का, वो जब से गाना शुरू हुआ महंगाई मार गई, आज भी किसी भी सरकार के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड चलता ही है। और उसमें मेन पोर्शन मेरा था। तुझे क्यों मौत ना आई, हाय महंगाई महंगाई महंगाई। हिंदी फिल्मों के साथ साथ चंचल ने पंजाबी फिल्म जगत में भी दस्तक दी। साल 1975 में आई पंजाबी फिल्म धर्माजीत के एक गाने में गरीब किसान बनकर अपनी एक्टिंग और सिंगिंग का जलवा बिखेरा। मैंने एक पंजाबी पिक्चर भी की थी धर्मजीत, उसमें मेरा कैरेक्टर रोल था जी। दो हीरो थे, वो मेरे बेटे थे जी। और मैं किसान था, वो मेरी मेरा मर्डर हुआ, फिर उन्होंने। साल 1980 में नरेंद्र चंचल को मोहम्मद रफी के साथ फिल्म आशा के इस ड्यूएट को गाने का मौका मिला। साची जो तो वाली माता, माता तेरी जय जय का, जय जय का। तूने मुझे बुलाया खेरा वाली, माँ शेरावाली की शान में गाए इस गीत को लोग आज तक नहीं भूलते। उन्हीं दिनों फिल्म अवतार में आशा भोसले और महेंद्र कपूर की जोड़ी के साथ नरेंद्र चंचल ने माता के बुलावे को अपने बोल से सजाया। जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। लेकिन ये तूने मुझे बुलाया और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये दोनों चीज़ें, तूने मुझे बुलाया, चलो बुलावा आया है। आज भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, जब तक ये नहीं गाऊं जागरण संपूर्ण नहीं मानती। अपने समय के मशहूर संगीतकारों के साथ सिंगिंग कर चुके नरेंद्र चंचल को लता मंगेशकर के साथ साल 1980 में आई फिल्म दो शत्रु के इस गीत की रिकॉर्डिंग भुलाई नहीं भूलती। एक गाना लता जी के साथ ड्यूट गाने का मौका मिला। लता जी ने प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ठीक है उस लड़के को ले आओ। नीतू प्यार करके चली जाए जो बिछड़ के,
बोल दो या करेगी मुझे याद करके, नी तू प्यार करके चली जाए जो बिछड़ के, बोल दो या करेगी मुझे याद करके। घर में लता मंगेशकर के साथ उनका बड़ा सा पोस्टर इस बात की गवाही देता है कि लता मंगेशकर के साथ गीत रिकॉर्ड करना नरेंद्र चंचल के लिए क्या मायने रखता है। तो ये ड्यूट था, जब मैं कोई उस वक्त मेरी हरकत लगती थी तो लता जी मेरी ओर देख के मुस्कराते थे, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। वो फोटो लगी है सामने उसी गाने की। इसके साथ ही चंचल कई म्यूजिक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनके डिवोशनल सॉन्ग काफी पॉपुलर हो रहे थे। माँ के गानों के अलावा शिवशंकर और बजरंग गान कर भक्तों के बीच उनकी शोहरत देखते ही बनती है। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। हाल ही में मिरगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में बनी फिल्म फुकरे में उनकी आवाज पर माता का जागरण फिल्माया गया। ये माता दुर्गा का ही आशीर्वाद है कि पिछले कई दशकों से नए साल के अवसर पर 31 दिसंबर की रात को माता वैष्णो के भवन पर नरेंद्र चंचल की आवाज ही गूंजती है। अपने भजनों से भगवान और भक्तों को मगन करने वाले चंचल की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक गलती की वजह से अपनी आवाज खो बैठे थे चंचल। तो एक दिन मैं मंदिर गया, मुझे किसी ने कहा बेटा कोई भेंट, माता के भजनों को भेंट कहते हैं, भेंट सुना। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो दूसरे दिन मुझे आगरा जाना था, मेरे गुरु आध्यात्मिक गुरु उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने मैसेज भेज दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब मैं आगरा पहुंचा प्रोग्राम के लिए मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मुझे समझ आ गया कि ये थप्पड़ मुझे पड़ गया है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक था। मैं वापस आया, माँ की कृपा से ये आवाज़ मुझे दोबारा वापस मिली, और उसके बाद मेरे दिमाग से फिल्मों का भूत उतर गया। सैकड़ों भजनों को अपनी आवाज़ से अमर कर चुके नरेंद्र चंचल अपनी लाइफ में केवल एक ही शख्स को अपना गुरु मानते हैं। प्रोफेशनल मैंने लिख के तो किसी से भी नहीं सीखा। अमृतसर में थे प्रेम त्रिखा साहब, रेडियो में गाते थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, मैं उनके यहाँ जाता था, तो वो मुझे अपने साथ गवाने लगते थे। वो सासा रे रे करके नहीं सिखाते थे, वो सीधा जो गा रहे होते थे मुझे कहते थे इसे पकड़। भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी आवाज से माता का जयकारा लगाते रहते हैं चंचल। सूफी संत और कवि बुल्ले शाह जी काफिलों को फोक सॉन्ग्स में बदलने वाले चंचल जी अपने पहले म्यूजिक एल्बम में भी बुल्ले शाह साहब के काफिलों को ही फोक अंदाज में रिकॉर्ड किया करते थे। पर पंजाब को संगीत की धरती मानने वाले नरेंद्र चंचल आज के बदलते सूफी ट्रेंड से थोड़े खफा जरूर नजर आते हैं। आजकल के पहले नकल करते थोड़ा वो झिझकते थे, आजकल तो एज इट इज़ एक दूसरे का ही उठा लेते हैं, और म्यूजिक बहुत भरा हुआ है। कभी कभी रैप आ गया, और कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। वो जो डेप्थ थी म्यूज़िक की, वो जो म्यूज़िक की जो सोल था, जो रूट से हमें म्यूज़िक मिला हुआ था, वो तो उनके साथ ही चला गया। भजन गायक और संगीतकार गुलशन कुमार जी के साथ कई म्यूजिक एसोसिएशन में चेयरमैन रह चुके चंचल म्यूजिक जगत की सभी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। गुलशन जी के साथ मेरी बहुत एसोसिएशन रही, बहुत पुरानी, और बड़े बोल नहीं बोलता। ये जो पहला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, पहले वो कैसेट थी, तो उन्होंने जो मेरा एक पहला रिकॉर्ड बनाया वो माता रानी का था, मैया जी असी नौकर तेरे। ये आज भी लोग इसे सुनते हैं, ये 80s की बात है। सेवा तेरी खड़ा रवा मैं शाम सवेरे, मैया जी
एकता मिशन के नाम से संस्था चला रहे नरेंद्र चंचल फिलहाल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा एक एनजीओ है नरेंद्र चंचल इंस्टीट्यूट फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसके लिए हमने बच्चों को म्यूजिक, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना और एक मेडिकल वैन रखी हुई है मैंने विद डॉक्टर, वो ये झोंपड़ वाले झोंपड़ पट्टी एरियाज में दवाइयाँ और डॉक्टर फ्री मेडिकल एड होती है। ये बहुत चैरिटी करते रहते हैं, कई बार तो मुझे भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ करते रहते हैं। आज भी क्या होता है कि कोई किसी की शादी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी बात है, ये ऐसे कर देते हैं कि एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ से किसी को पता नहीं चलता। साथ ही जीवन में मिली कामयाबी का श्रेय अपनी माँ कैलाशवती के साथ धर्मपत्नी नम्रता को देते हैं। कोई ये दयाल मेरी माँ के कर दे सबनु निहाल मेरी माँ। सबसे पहले मेरी जन्म देने वाली माँ, वो कहते हैं ना सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो मेरी लाइफ में दो औरतें आई, मेरी माँ और मेरी वाइफ, आज भी वो मेरे साथ हैं। तब से लेके आज भी नौकर चाकर होते हुए भी मैं 4 बजे सुबह आऊँ 3 बजे आऊँ, दरवाज़ा वही खोलती है। तो दरवाज़ा घर का भी उसने खोला, मेरे नसीबों का भी उसी के आने से खोला। वो कहते हैं लक्की हो, मैंने कहा इनको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं रियल में ही बहुत लक्की हूँ कि ऐसे इंसान के साथ हूँ। जहाँ भी जाओ कहीं भी तो लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। माता के भजनों के साथ दिन में 2 बार देवी अम्बा की आराधना करना चंचल के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। साथ ही खाली समय में फैमिली के साथ शॉपिंग करना, अच्छी किताबें पढ़ना और माता की भेंटें रिकॉर्ड करना, बस यही शौक है माता के इस भक्त के। शॉपिंग का शौकीन हूँ, जब छुट्टी होती है या पता लगे आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया है तो वाइफ को लेता हूँ, किसी ना किसी मॉल में चला जाता हूँ। बॉलीवुड से शुरुआत की पर अब तो वो पूरी तरह से ही माता को अपना जीवन और आवाज समर्पित कर चुके हैं। माता की भक्ति ही उनकी शक्ति है और इसी शक्ति के बूते अपनी आवाज से माता की ज्योत जगाते रहते हैं नरेंद्र चंचल। दिल वाली पालकी च तैनू मां बिठाना